हेलो फ्रेंड, अभी मॉनसून स्टार्ट हो गया है। इसमें पकोड़ा बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आज हम आपके सामने लाए हैं 5 दाल का पकोड़ा बनाना। ये रहर दाल, चना दाल, उड़द दाल, मसूर दाल और मूंग दाल, इन सबको हम पानी में भीगने के लिए रखेंगे। और इसके साथ अदरक, लहसुन और मिर्ची। एक बाउल में हम पानी लेंगे, एक बड़े बाउल में पानी लेंगे और फिर हम उसमें सभी दाल को अच्छे से सोक करने के लिए रखेंगे। दाल को सोक करके तकरीबन 3 से 4 घंटा सोक करेंगे। फिर हम इसको पीस के हम बनाएंगे पकौड़ा, मिक्स दाल पकौड़ा। इसके साथ ही हम ये जो मसाला है उस दाल के साथ ही हम पीसेंगे। दाल को सोक करने के लिए रख दिए हैं, फिर हम इसका आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। हेलो फ्रेंड, वो जो हमने 5 तरह का दाल सुबह में भिंगोया था, 4 घंटे बाद ये पूरी तरह से फूल गया है। आप देखिए, ये काफ़ी अच्छे से फूल गया। अब हम इसको, इन सभी दाल को मिक्सी के एक जार में रखेंगे और इसको फिर पीसेंगे। सब साथ में ही पीस लेना है, लहसुन, हरी मिर्च, दाल और अदरक। इन पीसे हुए मसाले से मैं आज आपको 2 तरह का चीज़ बनाना बताऊंगी। अभी रेनी सीजन आ गया है, तो रेनी सीजन में तो पकौड़ा खाने में मॉनसून में बहुत मज़ा आता है, शाम के समय में पकौड़ा और चाय खाने में। और दूसरा कि मैं इस 5 दाल का चिली बनाना आपको बताऊंगी, तो दिखाते हैं आपको कि ये कैसे बनेगा। दाल हमने पीस लिया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा कटा हुआ प्याज पकौड़ा के लिए। शाम के समय में चाय के साथ ये पकौड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा प्याज और धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा धनिया का पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च और नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम खाते हो तो कम और ठीक ठाक खाते हो तो ठीक ठाक डालें नमक। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। और आधा जो इसका दाल था उसको मैं अलग से थोड़ा सा पानी डाल के उसको, उसका बनाना है घोल। ये पकौड़े का घोल हो गया। अब हम एक कढ़ाही चढ़ाते हैं। हमने एक कढ़ाही चढ़ाया है, कढ़ाही में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। पकौड़ा हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है। अब हम इस तेल को गरम होने देंगे। गरम हो जाता है तेल तो आप देखेंगे कि ऊपर उसका दिखता है धुआं। तेल गरम हो गया है। आप इसका पकोड़ा जिस साइज का खाना चाहें, जैसे खाना चाहें उस तरह का आप इसको तल लें। इसको बहुत ही क्रिस्प तलना है, छोटे छोटे साइज का पकोड़ा। और ये शाम के चाय के साथ बहुत बेहतरीन लगता है। आप अच्छी अदरक इलायची वाली चाय और ये पकौड़ा, बरसात के दिनों में ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, कुछ स्पाइसी कुछ चटपटा। अब हम इसको अच्छे से दोनों तरफ से तलेंगे। अब हम इसको उलट पलट करेंगे। उलट पलट करके इसको बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ा तलेंगे। और ये पकौड़ा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। शाम के समय में चाय के साथ आप इसको ज़रूर से बनाएं। और बहुत आसान भी है। आप रात में दाल भिंगो दें, और दाल अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी भिंगोते हैं तो कोई बात नहीं है, आप भिंगो दें, या सुबह के समय में दाल भिंगो दें और शाम के समय में आप इसको पकौड़ा को पीस के बनाएं। इसका वैसे अगर आप पकौड़ा बना रहे हो और जब पकौड़ा ज़्यादा बन जाए, मेहमान आए हों और पकौड़ा बच जाए,
तो फिर आप इसका ग्रेवी लगा के सब्जी भी बना सकते हो। सब्जी भी बहुत ही टेस्टी होता है इस पांच दाल के पकौड़े का। अब देखिए ये पकौड़ा अब गोल्डन होना शुरू हो गया है। हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे इसमें से, फिर हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा ये पकौड़ा बनता है। इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सी माच करके सेकना है ताकि वो अंदर से भी पक जाए। अगर आपका आँच तेज़ रहेगा, गैस का फ्लेम तेज़ रहेगा, तो आप हाई पे ना रखें फ्लेम को, तो पकौड़ा ऊपर से तो गोल्डन हो जाएगा लेकिन अंदर से वो नहीं बन पाएगा अच्छा। इसलिए शुरू में इसका फ्लेम को लो करके रखें और जब दूसरी तरफ पलटें उसके बाद आप इसको हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। और पकौड़ा का पुदीने की चटनी के साथ या फिर टमाटर केचप के साथ, जो आपको अच्छा लगे उसके साथ आप इसको इसका आनंद लें। इसमें इसको बन जाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे ताकि वो थोड़ा और चटपटा हो जाए। थोड़ा चाट मसाला डालने से गरम जब पकौड़ा रहता है, आप कोई भी पकौड़ा बनाएं या फिर कोई आलू चॉप बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो जब वो गरम रहता है तब अगर आप उसको उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालते हो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसको निकाल ले रहे हैं। ये पकौड़ा बन के रेडी हो गया है। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा गरम है तो थोड़ा सा चाट मसाला गुड़क देंगे। अब इसको सर्व करेंगे। आप इसको ज़रूर से शाम के समय में अदरक इलायची के चाय के साथ बना के इस रेनी सीजन का आनंद उठाएं और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।